नमस्कार दोस्तों आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करता हूँ तो आपको सबसे पहले बता दें कि आज की टेक न्यूज़ जो जो एक न्यूज़ आपको हिला के रख देने वाली गाइज फिर से वही आप कहीं सोशल मीडिया चलाना ना छोड़ दो एक न्यूज़ आपको ऐसा बताने वाला हो जिससे आपको मजबूर कर देगा फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया हो वो छोड़ने पर तो गायज चलिए आप टेक न्यूज़ में बने रहिए धीरे धीरे सारी बात में आज टेक न्यूज़ बताएंगे और आपको जानकारी देंगे कि क्या आज की टेक न्यूज़ है क्या नई खबरें आए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं E <music> तो गाइज सबसे पहले आपको बता दें टेक न्यूज में कि जो खुशखबरी आने वाली है बीसीएमआई की तरफ से क्राफ्टॉन ने लॉन्च मतलब ऐलान कर दिया है कि 15 जनवरी तक बीसीएमआई आ सकता है क्योंकि ये आ, सरकार ने इसको मतलब बैन कर दिया था यानी बंद कर दिया था प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को हटा दिया गया था ये लगभग जुलाई दो में ऐसा किया गया था लेकिन अब इसे सरकार अलाउ करने जा रही है और क्राफ्टॉन ने कहा है कि ये 15 जनवरी 2023 तक आ सकता है ऐसा सुनने को मिला है और देखते हैं गाइज आता है या नहीं आता है, तब तक हम लोग वेट करते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टेक न्यूज की तरफ सबसे पहले बता दें कि OnePlus जो ब्रांड है वो अपने चार्जर में इजाफा क्या था कि वो 180 वाट के चार्जर चार्जिंग को लेके आया था जिससे काफी स्पीड में मोबाइल को चार्ज करता था वहीं पे गाइस जो आप लोग जानते हैं Realme कहाँ पीछे रहने वाला है गाइस उसने बोला है कि Realme GT Neo 5 जो है जो 5G फोन है उसने कहा है कि इस हैंडसेट में 240 वाट तक चार्जर आ सकते हैं जो कि 9 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है ऐसा रियल दावा कर रही है गाइज तो और गाइज वहीं पे बात करते हैं सरकार की सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 2025 तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें सारे एक ही टाइप के चार्जर लगेंगे वो भी टाइप सी लगेंगे गाइज अभी तक में टाइप सी कुछ में आ रहे हैं और कुछ में टाइप ए भी लग रहा है वैसे जितने भी अभी डिवाइस होंगे जिससे कि कंप्यूटर हो गया लैपटॉप हो गया और इधर हैंडसेट मोबाइल वगैरह सब गया मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे उसमें सारे एक ही टाइप के चार्जर लगाने का कनेक्ट करने का यू जो है टाइप सी वो एक ही टाइप का लगाने के लिए सर। और वहीं पे गाइज आपको एक खुशखबरी वाली बात बता दें कि टेक न्यूज़ में ये भी है कि फ्लिपकार्ट जो पिछले कुछ दिन पहले काफ़ी सेल निप में आ रहे थे तो अभी जो भी आदमी छूट गए सेल से वंचित रह गए और कोई भी सामान ऐसा जो नहीं ले पाए वो अभी जाके आप फ्लिपकार्ट ख़रीदारी कर सकते हैं गाइज उसने एक सुपर बिग बचत डेल निकाल दिया जिसका नाम धमाल डिस भी बोल सकते हैं तो ये निकाल दिया जो कि आज छः तारीख यानी 6 जनवरी 12 एम से ही स्टार्ट होकर 8 जनवरी 12 पी तक ये वैलिड रहेगा और ये तीन दिन ही सिर्फ चलने वाला है गाइज यह सेल फ्लिपकार्ट तो आप लोग जल्दी, जल्दी जल्दी जाएं और वहाँ पे हर चीज़ मिल रहा है हर चीज़ अवेलेबल है जो चीज़ खरीदना चाहते हैं आप कम कीमत में ख़रीद सकते हैं और गाइज फ्लिपकार्ट जो आपको बता रहे थे कि फ्लिपकार्ट एक भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा फ्लिपकार्ट को जी हाँ गाइज आपको बता दें कि बंगलुरु की एक लेडी थी जो बारह हजार कुछ रुपये का एक हैंडसेट ऑर्डर किया था तो और ऑनलाइन प्रीपेड था ही वो प्रीपेड ऑनलाइन था गाइज तो वो उसको टाइम पर नहीं मिल पाया पहुँच तो क्या था ये लेडी कोर्ट में दायर हुई कोर्ट में केस चला और फ्लिपकार्ट को यह गया मैसेज और इसी का वो मुआवजा देने के लिए बयालीस हज़ार रुपये उस लेडी को देना पड़ा फ्लिपकार्ट को गाइज आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा देखिए फ्लिपकार्ट उसकी टाइम वैल्यू और टाइम पे नहीं पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट को इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी उस लेडी को तो आप लोग भी ऐसा मतलब सोचे ना ये कभी कभार हो जाता है और कहाजा अब बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेज की तो गाइजी आई क्यू अलेवन फाइव जी, जी मोबाइल है वो आने वाला है 10 जनवरी को एक्सपेक्टेड डेट है बट अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है एक्सपेक्टेड डेट है 10 जनवरी को आने वाला है तो आपको बता दें कि इसकी जो आ, स्पेसिफिकेशन है वो किस इस प्रकार है कि आपको इसमें आ, प्रोसेसर जो आ रहा है वो स्नेपड्रैगन एट जेन इन टू का प्रोसेसर आ गया है और इसमें भी एक सौ रिफ्रेश रेट के साथ फुल एस डी डिस्प्ले आ रहा है तो आपको जैसा कि आप लोग दे देख रहे हैं और काफी स्मूथ भी देखने में लगता है और आपको बता दें कि इसका जो कैमरा सेटअप है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल के गाइस और अगर बैटरी की इसकी बात करें तो 5000 हज़ार बैटरी के साथ 120 सौ बीस वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड गाइस तो ये अपकमिंग 10 जनवरी को आने वाला एक्सेप्टेड है और आता है तभी इसकी प्राइस की पता चलेगी खैर जो भी हो देखते हैं नेक्स्ट भैया और सभी ब्रांड आगे रह रहे हैं तो सियोमी कहा मानने वाला है गाई? तो सियोमी भी अपने आप में बहुत धाकर ब्रांड बनने जा रहा है तो सियोमी ट्वेल्व टी जो आने वाला है इसी महीने में आने वाला है गाइज तो इसकी आपको प्रोसेसर बता दें गाइज इसकी प्रोसेसर जो मीडिया टेक 1800 वन एट्टी हंड्रेड की प्रोसेसर है गाइज और यहीं पे डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो 120 सौ बीस रिफ्रेश रेट के साथ एमुलेट डिस्प्ले आपको मिल रहे हैं गाइज और इसकी भी कैमरा की के अगर बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी कैमरा 120 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा है गाइज और यहीं पर अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 हजार की बैटरी है और सपोर्टेड है 120 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है गाइज तो इस तरह से ये आने वाला है मोबाइल और गाइज आपको बता दें कि आज की टेक न्यूज़ आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए